भाई मत हेलो मार। यार, हेलो भाई, हमने सुना। हेलो हेलो तुम लोग इतने अच्छे भाई। बंदे। हेलो भाई, बिग फैन, ग्रिल गेमर, बिग फैन। जानता होगा अरे क्या भाई यार, थैंक यू यार, टीम अप के लिए थैंक यू यार। बंदा है ब्रो। हेलो, नहीं भाई, मार दो भाई, आप मार दो। दोनों को मार दे भाई, ले ले हम दोनों का। थैंक यू यार भाई, थैंक यू यार भाई, दोनों भाई, थैंक यू मैं यार। मार दूँ इसको। सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आज काफी दिनों के बाद तुम्हारे भाई को ट्रू फैन मिला था। तो पंखे वाला फैन नहीं भाई, ठीक है, नहीं तो पंखे वाला फैन समझने लगो आप। और भाई वो बंदा बहुत ही सही था। तुम्हारे भाई ने उसको चिकन डिनर के लिए भी बोला, लेकिन चिकन डिनर नहीं ले रहा था भाई। मैंने बोला तो भाई मेरे को मार दो, तुम और मेरे टीममेट को मार दो, और बाकी चिकन डिनर एक रैंडम बंदे को दे देना, क्योंकि वो भाई हमारे कर रहे हैं रैंक पुश एस के लिए, तो उनका भी इस वाले गेम में एस हो जाएगा। और गाइस सच बता रहा हूँ, इस गेम प्ले को तुम पूरा देखना, क्योंकि इस वाले गेम में जो रैंडम के रिएक्शन है वो तो है ही है। साथ में भैया इस वाले गेम में तुम्हारे भाई ने एक स्प्रे में, मतलब M4 की एक मैगजीन में, चार लोंडो को उड़ाया है चलती गाड़ी से। वाले सीन को आप लोग देखना, और भाई क्लचेस तो इसमें बिल्कुल भर भर के हैं। तो दिल थाम के बैठ जाओ, मोबाइल को पकड़ के बैठ जाओ, मोबाइल को ही पकड़ना और कुछ मत पकड़ना। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो हो तो। बाकी आप गेम प्ले को देखो, सामने बंदा है, तुम्हारे भाई को लूट वूट मिल चुकी है, फटाफट रश करते हैं। तू अच्छा खेलता क्या हुआ? नहीं भाई, मैं यहाँ जाऊंगा सामने वॉच आउट। बहुत दूर जाऊंगा यार, बहुत दूर। कॉल कर दो अब यहाँ पे। इस बंदे की तो पेटी बना डाली है तुम्हारे भाई ने। सामने की तरफ इसको कुछ बंदे हैं जो कि भैया दूसरी टीम से लड़ रहे हैं, तो फटाफट हील करते हैं, फिर उनके ऊपर भी रश करेंगे। और जो हमारे थर्ड नंबर वाले भैया जी हैं, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रैंक पुश करने पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। भैया जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, देख रहा हूँ पहुंच ही जा रहा है भाई, शिल्टर पार कर दिया उनने तो। अब मेरे को तो लग रहा था कि भैया बंदे आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन नहीं भैया, सामने की तरफ ब्रोकन बोल पे वो अंदर TPP लेकर रखी, एक पूरी की पूरी स्क्वाड है। और इन बंदों ने साथ से मेरे को ब्लड रेवन पहनते हुए लोबी में देख लिया था। अब देखो जो भी हो यार, भैया रश तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है वो बंदे तो रश करेंगे नहीं, एक आध बंदे को नॉक करते हैं फिर सीधा घुसेंगे फटाफट। खतरनाक तरीके से TPP ले रहे थे भैया जी। यहाँ पे मैंने इसको नॉक किया, ये बंदा मेरे टीममेट को मार रहा था शायद, तो भैया फटाफट रश करते क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा वो लेफ्ट में, अरे अरे अरे, यहाँ पर तो दोस्ती बढ़ाई जा रही है भैया, कते रिवाइव रिवाइव खेला जा रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ, एक बंदा तो नॉक ही पड़ा था शायद, इसका दूसरा बंदा भी आ रहा है मेरे ऊपर रश करने के लिए, तो उसको भी देखते हैं फटाफट। अब एक बात तो मैं बताना ही भूल गया भैया, ये लोग मेरे सामने फ्लैक्स कर रहे थे, 100 RP का आउटफिट दिखा रहे थे। तुम्हारे भाई ने चड्डी बनियान पहन के रखी थी, और जैसे ही मैंने ये ब्लड रन पहना तो भैया सबके सब भग गए। अब यहाँ पे स्क्वाड की पेटी बना दी है, इस स्क्वाड का लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ पे है, तो निकलते हैं यहाँ से सबसे पहले। और भाई मैं जा रहा था सामने की तरफ गाड़ी लेने के लिए, तभी मेरे को इस स्क्वाड का लास्ट बंदा दिखता है, जो कि शायद से एनिवर्सरी वाले पार्क में उतरा था, और ये बंदा भी गाड़ी लेने ही आ रहा था। तुम्हारे भाई ने इसकी पेटी बना दी। अब देखो गाड़ी उठा के हम लोग सीधा जा रहे थे रोजो की तरफ, लेकिन तभी मेरे को सामने की तरफ एक बोर्ड दिखता है, और बोर्ड के चक्कर में यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड आ जाती है ओपन में। और देखो Watch out!
अब भाई जब से मैं देख रहा हूँ कि भैया कौन बंदा मेरे को इतनी दूर से पहले जा रहा है यार, कोई दिख तो है नहीं रहा, लेकिन लास्ट में जाने के बाद मेरे को ये भाई सब दिख जाते हैं और इसी के साथ हो जाता है पहला 1v4 क्लच। तो आप लोग को ये वाला सीन कैसा लगा प्लीज मेरे को एक बार कमेंट में बताना। और अगर क्लच बढ़िया लगा हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जरा ये रैंडम के रिएक्शन सुनो, तुम फोर्थ नंबर क्या बोलेगा देखना। अब ये बंदा जो फोर्थ नंबर रहता है वो समझ तो जाता है कि यूट्यूबर हो कि नहीं हो, बंदा पूछता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा कोई भी चैनल वगैरह नहीं है यूट्यूब पे। और आप लोग को अगर अच्छे से साउंड नहीं आ रहा होगा समझ में तो मैं बता देता हूँ, ये बंदा पहले बोलता है ओ भाई लैम्बोर्गिनी, फिर बोलता है टेस्ला टेस्ला है, मैंने बोला हाँ भाई टेस्ला भी है, सब लगा देते हैं। अब देखो पीछे वाले लोंडो की पेटी बनाने के बाद हम लोग जा रहे थे भैया सामने की तरफ फ्लेयर लूटने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप रहता है। तो मेरे टीममेट को मैं गाड़ी देता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया तुम चलाओ, शायद से बंदे होंगे वहाँ पे, और ऐसा होता भी है देखो। और यहाँ पे मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, और मेरे को लग रहा था कि इसके टीममेट आसपास में होंगे तो इसको बचाएंगे, लेकिन इसको बचाने कोई भी नहीं आता और मैं जाने लगता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। तभी मेरे जो टीममेट रहता है सेकंड नंबर वाला, वो बोलता है कि भैया सामने की तरफ स्क्वाड हाउस पे कुछ बंदे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाने लगते। तभी अब देखो जिस बंदे को मैंने मारा वो बंदे ने तो मेरे को नहीं मारा है, मेरे को किसी दूसरे बंदे ने मारा है, शायद ब्रिज वगैरह पे कैंप करके बैठा होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है मेरे को। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, तो मेरे टीममेट्स में बोलता हूँ कि तुम जाओ भैया ब्रिज क्रॉस करो, मैं तुम्हें कवर दूंगा, जैसे ये तुम्हें मारेगा तो मैं इसको मारूंगा। और भाई ऐसा ही होता है जैसा मैं सोचता हूँ, भाई इस बंदे को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, लेकिन सामने की तरफ अभी एक बंदा और है, तो फटाफट रश करते हैं। यार मेरे को मान ले, अरे भाई मैम मेरे को तो किल करने थे यार, मैं देखा था बंदा भाई क्या ही किल चुराया बेचारे लोंडे का मैंने, उसने मोली फेंकी, मोली से डैमेज हुआ और जैसी बंदा बाहर आया मैंने एकेम से फेल दिया उसे, भाई बहुत बुरा लगा इसके लिए। भाई आप तो भाई फिर हो भाई एक नंबर फिर हो पड़े। अब इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी मेरे को डासिया के बगल से एक बंदे का साउंड आता है और बंदा भी दिख जाता है मेरे को, लेकिन भाई बंदा खतरनाक रहता है। अब खैर यार जो भी है यहाँ पे मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक कर देता है, और सामने की तरफ स्क्वाड हाउस जो है वहाँ पर भी कुछ बंदे हैं, उसको मार दिया नहीं कोई, हाँ तुम ही मारे ना, तो उनके ऊपर भी रश करते फटाफट रिवाइव होके। कॉल हुआ है ना बंदे, ओ भाई ठोक गया सही है। अब मेरे को लग ही रहा था कि भैया यहाँ पे मेरे को किल वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही फोर्थ नंबर जो ऊपर की तरफ घुस गया था, तो कोई बात नहीं निकलते फटाफट यहाँ से, अपन को यहाँ किल नहीं मिले तो आगे तो मिलेंगे ही। और जरा चलते हैं अब ड्रॉप वाले बंदों के ऊपर जिन्हें फ्लेयर चलाई थी, और अब मैं आपको एक खतरनाक वाला सीन दिखाने वाला हूँ और उसके बाद रैंडम के रिएक्शन सुनना। क्या ठोका यार, अरे कौन अपना इन सब, ओ भाई सब के सब ठोक गए, अरे वाह यार भाई क्या ठोका भाई, ऊपर में सीधा हाथ दबाई।
पूरा गन चमक गया भाई, भाई गन चमक गया पूरा। और भाई सच में अगर इस वाले सीन को देख के अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो भाई कर क्या रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर करना। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब वो टीम आ रही थी तो मेरे साथ जो टीममेट बैठा था वो भैया ऑफलाइन था, अगर मेरी वहां पे पेटी बन जाती ना तो मेरा काम ही हो जाता। ओ भाई देखने वाला था वही नेट चेंज करने गया था, अभी वही मैं देखा किल फील्ड में। अभी भाई चार चार बंदों की क्यों भाई सारी गाड़ी, अरे वो अचानक से लाइट चली गई थी, वो काम हो रहा है तो वाईफाई बंद हो गया तो नेट कनेक्ट करने गया था। ड्रॉप करो भाई आप तो भाई, भाई मुझे खिला लो मेरे भाई साथ में भाई। वो ऊपर शील्ड लगा के बैठा एक बंदा घर के ऊपर भाई, शील्ड लगा के बैठा भाई, तो मुझे पहले दिख गया था दूसरे ग्रेनेड फेंके क्या। और तुम जरा यहाँ पे लोंडो की कैंपिंग देखो, मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होगा और एक बंदा जलता भी है, लेकिन भैया वहाँ पे एक बंदा और रहता है, तो उस दूसरे बंदे को कैसे उड़ाएंगे देखना। अबे भाई ये तो घर बना के बैठा भाई, अरे मार्क्ड अ लोकेशन भाई, ऑसम। नहीं नहीं एक और है, कुछ कहाँ पे छत के ऊपर लेटा हुआ है भाई। अरे भाई रुक 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 इसको उठा के लाऊंगा। तो चलो भैया इसी के साथ दूसरे बंदे को भी यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, और उसके बाद मेरा टीममेट ऊपर की तरफ जाता है, उसको उठा के लाता, और उठा के लाने के बाद उसके साथ क्या होगा वो तो आप लोग को भी पता है भैया, घुमाएंगे भाई। यहाँ तो पेटी उसकी बनी है पे। कहाँ गया सर? रुक रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक। अरे यार तूने गाड़ी आगे कर दी यार, ले चढ़ा चढ़ा मेरे पे चढ़ा भाई। लैम्बो नहीं है क्या भाई आपके पास भाई? अरे यार अरे जंप हो गया होगा, चढ़ गया चढ़ गया। अब इसके बंदे आ गए, मार इसको मार। अबे ओल पे बोल रहा था, ओल पे बोल रहा था छोड़ दो भाई छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लोग इस नोक वाले बंदे को घुमा रहे थे, लेकिन तब इसके टीममेट आते हैं, इसमें से मैं एक बंदे को नोक कर देता हूँ, लेकिन भैया ये अपने मीटअप वाले बंदे रहते हैं तो इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी टीम आ जाती है यार। आ, मार देंगे तो यार क्या अगर ये मार मैं देंगे तो? पीछे मैं पीछे से तो हूँ, धोखेबाजी की सोची तो भड़ के रख लूंगा पीछे से दोनों। हेलो 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 ले ले ना नंबर चार ला, उनको लैम्बोर्गिनी दे दे देखो देखो मार ले वो देखो गाड़ी गई वो देखो। ओए कुचल दिया उसको। अब देखो यहाँ पे सामने की तरफ एक बग्गी जाती है, तो मेरे टीममेट्स में बोलता हूँ कि भैया फटाफट बैठ इनको छोड़ते हैं अपन, ये लोग रिवाइव वगैरह हो जाएंगे नहीं तो वो बंदे वहाँ से भाग जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं उन बंदों के ऊपर रश करने के लिए, और वहाँ पे दो तीन टीम रहती है और एक बंदे के पास लैम्बो रहती है, इस वाली गाड़ी की स्किन भाई बहुत तगड़ी हरी वाली, देखना आपको मजा आएगा देख के। और तुम्हारा भाई जिसकी लैम्बो रहती है ना उसको भी पेलने वाला, देखना मार दो। मैं तो भाग गया, इस कोचिंग के साइड है ना, कोचिंग के साइड है बंदे, देखो वो देखो वो देखो। अब यहाँ पे मैं इन दोनों बंदों को नॉक छोड़ देता हूँ, और पता नहीं यार इनका मेरे को किल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि सामने की तरफ से भी हम लोग को कुछ गन साउंड आ रहे थे। उसी का पीछा कर रहा हूँ, कहाँ गई लेफ्ट में। Enemies ahead. लैम्बोर्गिनी के बगल में शील्ड बना के बैठ गया, बैठ 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 सौरभ बैठ जल्दी। एक उधर भी बंदा ब्रो, उधर देखो पहाड़ पहाड़ पे ले रहा हूँ, पहाड़ पे ले रहा हूँ, एक लैम्बोर्गिनी के बगल में लेटा हुआ है। सामने वाले बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है। अबे अबे वही है दोनों, अबे तुझको भी लगाए बे। उधर भी बंदा है उधर। तो बारी है भैया रश करने की, तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम मेरे हेलमेट की हालत देखो। AWM क्या लेवल 2 है मेरे पास, लेवल 2 उधर है उधर उधर वो देखो शेड बना है देखो। बाइक वाला तो यहीं पर है। अब देखो जो बंदा सामने की तरफ शील्ड बना के रखा ना, वो बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से कैम करके बैठा, और उसके पास में MK है, तुम्हारा भाई जाएगा उससे लड़ने देखना। और एक बंदा सामने भी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है।
Watch out. मैं शील्ड ही तोड़ देता हूँ। अबे दूसरे शील्ड के पीछे रुक रुक रुक, शील्ड तोड़ता हूँ जाके। ये दूसरे शील्ड के पीछे, दूसरे शील्ड के। सर अब शील्ड तोड़ रहा हूँ मैं। दूसरे शील्ड के पीछे। हाँ, बेचारा शील्ड के पीछे लेटा था, शील्ड ही तोड़ दी। अब यहाँ पे मैंने जैसे इस बंदे की पेटी बनाई तभी सामने वाला बंदा तो नहीं दिखता, लेकिन राइट की तरफ से एक बग्गी आ जाती है। और देखो Watch out. अरे बंदा पीछे पीछे बंदा, अरे पीछे बंदा, उधर बंदा। Watch out. रिवाइव कर दो यार। हाँ, पेड़ के पीछे। और भाई फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ में यहाँ पर जितने भी स्क्वाड थी तुम्हारे भाई ने सब की पेटी बना डाली है, तो निकलते फटाफट यहाँ से जोन में। मार्क द व्हीकल। नई वाली। हाँ वो तो लूंगा यार। लो लो ये तो क्या सुनना होता। अरे रे। अब वहां से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारा एक मीटअप वाला बंदा आ जाता है और इसके साथ में यहाँ पे एक दूसरी स्क्वाड आ जाती है, और उस वाली स्क्वाड को तुम्हारा भाई स्मोक के अंदर पे लेगा। तो देखना वाला सीन बनता होगा। अरे भाई यार थैंक यू यार, टीम अप के लिए थैंक यू यार। बंदा है ब्रो। हेलो। अच्छा करो भाई, तुम्हारे बंदे टीममेट है तुम्हारे। सोबर सर अब स्मोक हुआ, स्मोक हुआ। तुम्हारे टीममेट है ये इधर साथ में जो। ओए तुम अंदर पे जाओ। एक बंदा इस पे आ गया। अबे हट नेट आया। अरे भाई अरे सॉरी सॉरी बच गई बच गई। साला हरामी क्या नेट मार रहा है। ये बैठे रहे भाई सीढ़ी पे बैठे रहे। लेकिन कहाँ है? अरे सामने सामने इसके पीछे। ऐसे नेट ले लो ना। किस कौन बोल रहा है? रैंडम बोल रहा है कि अपना टीममेट बोल रहा है? मैं भाई नेट लोगे मैं से ले लो। वो देख सौरभ खुले में आ रहा है, वो खुले में आ रहा है। अब यहाँ पे इस टीम का सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बचा, और वो लास्ट बंदा स्क्वाड हाउस के सामने है, क्योंकि वो बंदा नेट वगैरह फेंक रहा था। तो देखते जरा उसको। चलो आ जा तीन नंबर। अरे रे बेचारा तो फिनिश हो गया यार। और भाई इस भैया जी के साथ तो मैंने स्कैम कर दिया। नीचे से इसके पैर दिख रहे थे, पैर में ही गोली दे दी और पेटी बन गई। और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा। तो फटाफट उससे बात करते हैं। उससे मैं बोलता हूँ कि भैया तुम चिकन डिनर ले लो, तो भैया जी मना कर देते। तो मैं सोचता हूँ कि चलो थर्ड नंबर भी अपना रैंडम टीममेट है इसको दे देते, क्योंकि इसको रैंक पुश करना है। तो मैं बोलता हूँ कि हम दोनों को तुम मार दो और तुम फिर उससे पिल जाना थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर तुमको मार देगा, उसको चिकन दे देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना। गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और हो सके तो प्लीज फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो तू दूर नहीं दोनों को मार दे भाई, हम दोनों का। थैंक यू यार भाई थैंक यू थैंक यू यार भाई दोनों प्लीज भाई थैंक यू यार। मार दो इसको, मैं मार दूं। ये भाई क्या बोलते भाई। भाई साहब इसका हफ्ता बहुत अच्छा दिया।